भारतीय समाज में पगड़ी की रस्म से अक्सर बेटियों को वंचित रखा जाता है। रस्म है कि पिता के अवसान के बाद पुत्र ही पिता की पगड़ी धारण करता है। लेकिन जयपुर जिले के चाकसू कस्बे की एलबीएस कॉलोनी रहने वाली लीना बेनीवाल के पिता के निधन के बाद पगड़ी की रस्म निभाई और संपन्न की जैसे कोई बेटा करता है बेटी ने। जी हाँ, लीना ने पिता की पगड़ी अपने सर पर बांध कर बदलाव की एक नई इबादत लिखी है और पेश से इसके साथ ही लीना कहती है कि मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि बेटियों को बराबर का हक मिले। मेरे पिता ने हमेशा मुझे बेटे से भी ज्यादा महत्व दिया है। उनके दिल में बेटी बेटा सब एक समान था, कोई फर्क नहीं था। मगर उनके निधन के बाद कंधा देने से लेकर पगड़ी रस्म का सवाल आया तो मुझे लगा मेरे दिवंगत पिता की ख्वाहिश पूरी होगी। मैं दिवंगत पिता को मुखाग्नि भी दूंगी और सामाजिक परंपरा के अनुसार पगड़ी की भी रस्म अदा करूंगी। ये सभी बेटियों के हकों का सम्मान है। सामाजिक व धार्मिक विधि विधान के रस्मों रिवाजों के अंधेरों से निकलना और लीना यूं प्रकट हुई जैसे वो बेटियों के लिए रोशनी लेकर आई हो। पिछले दिनों लीना के पिता अशोक बेनीवाल जो कि रेलवे में अधिकारी रहे हैं उनका देहांत हो गया था और लीना व युषिता अपने पिता की दो बेटियां हैं। लिहाजा परिवार की जिम्मेदारी लीना के कंधों पर ही है। मगर जब पगड़ी की रस्म का मौका आया तो सामाजिक रस्म आड़े आ गई क्योंकि रस्म रिवाजों इस मामले में बेटियों को हिमायत करती हैं। लेकिन लीना ने पगड़ी और बेटे की बीच सदियों से बने फासले को दूर किया है और नाते रिश्तेदारों की भीड़ जमा हुई और जब पगड़ी की रस्म का अवसर आया तो लीला ने प्रचलित रस्म का प्रतिकार किया और परिवर्तन की प्रतिमा बनकर खड़ी हो गई। सामाजिक स्वीकृति के बाद लीला ने पिता की पगड़ी पर धारण की तो उसका चेहरा बदलाव की रोशनी से दमक उठा। लीना कहती है जब मेरे पिता ने कभी भेद नहीं किया तो समाज में ये बेटियों के साथ भेदभाव क्यों, और ये सवाल ही नहीं उठता कि कोई भी भेदभाव करे। फारू भैया आप थोड़ा सा साइड में जाओ। फारू भैया जिंदगी में अच्छे पीढ़ी आ रही जागे है, मानो पहली गरीब आदमी मर जाओ थे इधर रोजगार को ना बच्चे की शिक्षा कतरी पड़ गई। हाँ, खर्चो कहीं हो थे, कहीं चलाओ थे वो